वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर सेकंड लेक्चर वन। चैप्टर जो सेकंड है वो हमारी एक तरीके से आप बैकबोन बोल सकते हो पूरे लीनियर अलजेब्रा की, क्योंकि बेसिस एंड डायमेंशन, बेसिस एंड डायमेंशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का। अगर ये किसी को नहीं समझ आता है, इट मीन्स आप लीनियर अलजेब्रा करने में इतने ज़्यादा, मतलब मान लो कुछ होगा ही नहीं आगे, क्योंकि आगे जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे उनमें बेसिस एंड डायमेंशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो बेसिस एंड डायमेंशन करने से पहले हमें कुछ एक डेफिनेशंस करनी पड़ती है। वो डेफिनेशंस है, सबसे पहले आती है हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स क्या होता है? अब वैक्टर्स यहाँ पर मैं फर्स्ट चैप्टर से बता रही हूँ कि आपको वेक्टर वेक्टर वाला नहीं है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, उसे नहीं मानना है। वेक्टर स्पेस से जो एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हम वेक्टर्स बोलेंगे, जो वी से एलिमेंट आएंगे उन्हें हम वेक्टर्स बोलेंगे। तो अ वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी एफ इज सेट टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन बिलोंग्स टू वी इफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वी इज इक्वल टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस एंड सो ऑन ए एन वी एन वेयर ए वन ए टू ए एन आर स्केलर्स फ्रॉम एफ। मतलब कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, मतलब कि कोई भी v का एलिमेंट हम ले और उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख बोला जाए कि v कोई एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से, अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू। अगर इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। और जिन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा वो वेक्टर्स आएंगे वी से, और जो उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई होंगे वो आएंगे फील्ड से। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई अगर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया आर टू ओवर आर ले लिया, मैंने ये वेक्टर स्पेस बनाता है टू डायमेंशन का। मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है यहाँ पे, मुझे कोई एलिमेंट है ए बी रिप्रेजेंट करना है, ये कहाँ से आ रहा है मेरा, आर टू से आ रहा है, मतलब वी से आ रहा है। मुझे इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है आर के, और वी के एलिमेंट किस तरीके से है, किस तरीके के एलिमेंट है वी के, और जो ए और बी क्या है, कैसे एलिमेंट है ए और बी, रियल नंबर्स है आर से आ रहे हैं। तो मैं ए बी को कैसे लिख सकती हूँ, ए वन जीरो प्लस में बी जीरो वन। हमें पता है 10 टाइप के टू टप्पल्स के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, आर टू से, एंड 01 टाइप के एलिमेंट भी कहाँ से आएंगे, आर टू से। तो ये एलिमेंट किसका है, आर का, ये एलिमेंट किसका है, आर टू का, ये एलिमेंट आर का और ये एलिमेंट आर टू का, मतलब ये तो आ रहे हैं फील्ड से और ये किसके आ रहे हैं, वी से। तो ए बी को हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, आर टू के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये ए बी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप की, वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर डिपेंडेंट, कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, कि हम कैसे डिपेंड, कोई वेक्टर किसी और पे कैसे डिपेंड हो सकता है। तो हमारे पास आता है लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ हमें, अ सेट ऑफ वेक्टर्स, तो मान लिया कि उसमें एन वेक्टर्स है जो वी वन वी टू वी एन से रिप्रेजेंट है, इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर उसे हम बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर स्केलर एफ इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर्स, कि वहां में फील्ड के कुछ एलिमेंट्स हैं ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस एंड सो ऑन ए एन वी एन इज इक्वल टू जीरो, नोट ऑल ए आईज आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि लीनियरली डिपेंडेंट तब कहेंगे जब हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, होमोजीनियस लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब इज इक्वल टू में जीरो रखेंगे। जब हमने इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा उन वेक्टर का स्केलर्स के साथ, और उनमें से जो भी ए आईज है वो सारी की सारी जीरो ना हो, तब उन्हें क्या बोल देंगे, अब लीनियरली डिपेंडेंट। मान लिया कि मैंने एक सेट ले लिया, यहाँ पे मेरे पास एक सेट आ गया, मान लो सेट में सिर्फ सिंगलटन जीरो है, तो जीरो को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटू जीरो, तो वो ऑलवेज मुझे क्या देगा, ए, और ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि जीरो के साथ अगर ए को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलवेज जीरो ही देगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीरो है वो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ऐसे अगर आप कोई और एलिमेंट लोगे, जैसे मैंने कोई भी अगर आप एलिमेंट ले रहे हो यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट, मैंने ले लिया वन जीरो
एंड यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस वन जीरो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा वन जीरो प्लस में यहाँ पे क्या आएगा माइनस जी वन जीरो, ये स्केलर वन मल्टीप्लाई है या स्केलर वन मल्टीप्लाई है, इजिकल टू क्या है जीरो जीरो। देखो ये दोनों ही क्या है मेरे पास नॉन जीरो है, और पर इनको जो मैं ऐड करती हूँ तो क्या बन जा रहा है जीरो जीरो बन जा रहा है। तो मान लो कि नोट ऑल ए आई इज इक्वल टू जीरो, तो ये दो ए आई क्या थी मेरी जीरो नहीं थी, फिर भी इनका लीनियर कम्बिनेशन क्या दे रहा है मुझे जीरो दे रहा है, तो ये एक दूसरे पे क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वन जीरो को मैं कैसे लिख सकती हूँ माइनस वन इंटू वन जीरो लिख सकती हूँ, मतलब मैंने वी वन इज इक्वल टू माइनस वी टू कर दिया। जब लीनियरली डिपेंडेंट का बस एक ही मीनिंग होता है कि अगर आप किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लाई में लिख सकते हो तो वो लीनियरली डिपेंड हो जाता है, और उसका उल्टा क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि अगर ऑल ए आई जीरो आएंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कैसे कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, अ सेट ऑफ वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन बिलोंग्स टू वी इज सेट टू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस एंड सोन ए एन वी एन इज इक्वल टू जीरो, और जो ए आईज है वो स्केलर है और जो वी आईज है वो वैक्टर है और आई है वन से लेके एन तक, तो हमारे पास अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे के सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए, सारे के सारे स्केलर क्या होंगे जीरो होंगे। अब मान लो कि मैं एक सेट दे रही हूँ एस, इसमें मैंने दो एलिमेंट दे दिए वन जीरो दे दिया एंड एक जीरो वन दे दिया। अब मुझे ये मान लो वी वन और ये वी टू है, मुझे ये देखना है कि वी वन वी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। मुझे क्या करना है ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू करना है किसके इक्वल जीरो के इक्वल। ए वन मैंने किया वी वन कितना है जीरो वन जीरो प्लस में ए टू मैंने किया वी टू कितना है जीरो वन इज इक्वल टू क्या है जीरो जीरो, क्योंकि वेक्टर का ही एलिमेंट आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हुआ ए वन जीरो प्लस जीरो ए टू, जीरो ए टू इज इक्वल टू क्या हुआ जीरो जीरो, तो ए वन ए टू इज इक्वल टू क्या हुआ जीरो जीरो। और हमारे पास यहां से क्या कंडीशन आती है ए वन इज इक्वल टू जीरो ए टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों के दोनों क्या हो गए जीरो, इट मीन्स वी वन एंड वी टू क्या है मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सारे के सारे ए आई जब हम वैक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के जो स्केलर्स हैं अगर सारे के सारे जीरो होते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर वो स्केलर्स जीरो नहीं होते तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब आप सोच रहे हो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्यों करें, क्योंकि जब हम बेसिस करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, डायमेंशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एवरी सिंगलटन सेट कंसिस्ट ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब मान लिया जाए कि मेरे पास एक सेट है एस, इसमें सारे सिंगलटन एलिमेंट है और जो ए है वो क्या है नॉन जीरो है। तो मैंने क्या किया ए वी ले लो, क्योंकि ए में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने बी ले लिया जो क्या है नॉन जीरो एलिमेंट है, ए बी इज इक्वल टू जीरो। जब ए मेरा देखो दो एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट जीरो तभी होगी जब हम वेक्टर स्पेस कर रहे हैं ओवर फिल्ड कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या है दो वेक्टर की प्रोडक्ट तभी होगी जब वो क्या मतलब दो वेक्टर की प्रोडक्ट जीरो तभी होगी जब आइदर वन ऑफ देम क्या हो जाए जीरो हो जाए हमारे पास, तो या तो ए जीरो होगा या फिर हमारे पास क्या होगा वी जीरो। वी तो जीरो है नहीं, तो डेफिनेटली किसको जीरो होना पड़ेगा ए को जीरो होना पड़ेगा। तो जो सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट का सेट होता है वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, पर अगर सिंगलटन जीरो है तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना आपके पास। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया जिसमें मैंने वन ले लिया सिंगल, तो ये सेट मेरा लीनियरली, और मैंने फील्ड ले लिया आर, तो मेरे पास जो ये सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि मैंने ए इंटू वन इज इक्वल टू जीरो किया, तो डेफिनेटली ए को क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा इस तरीके से। और यही अगर मैं एस टू लेती जिसमें मैं सिंगलटन जीरो लेती तो ए इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या जीरो, तो ए कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, तो कोई ना कोई नॉन जीरो इसके कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट कर ही जाएगा। अगर मान लो वन इंटू जीरो करती हूँ तो वन क्या हो गया नॉन जीरो हो गया, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन में, इट मीन्स ये क्या हुआ लीनियरली डिपेंडेंट, ये क्या हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम एल आई और एल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है सम बेसिक थ्योरम ऑन लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। अब कुछ एक रिमार्क है वो सारे इन थ्योरम्स के थ्रू क्या हो जाएंगे
कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट होगा वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वैसे तो वो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ऐसा होगा, पर अभी हम प्रूव करते हैं उसका कि वो किस तरीके से होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, लेट एस इज इक्वल टू वी वन वी टू एंड वी एन, हमारे पास क्या है, वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये मेरा क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, किसका, वेक्टर्स का। अब मैंने क्या ले लिया, एक एस वन ले लिया जो सबसेट है किसका, एस का, और एस वन में मैंने कैसे एलिमेंट ले लिए, वी वन वी टू एंड सोन वी आर ले लिया, और वी आर क्या है, लेस देन है मेरा एन से, क्या क्या स्ट्रिक्टली लेस ले लिया मैंने एन से। तो ये मेरा क्या हुआ, वी आर सबसेट ऑफ एस, किसका सबसेट हो गया मेरा, ये एस का सबसेट हो गया। मुझे ये शो करना है कि एस वन, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एस वन इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, मुझे एस वन क्या बनाना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मुझे एक चीज पता है, वी नो, हमें पता है कि S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो S के जो भी वेक्टर्स हैं उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल होगा, उसके सारे स्केलर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सो ऑन ए एन वी एन इज इक्वल टू क्या होंगे, जीरो, फॉर ऑल ए आईज बिलोंग्स टू F एंड ऑल वी आईज बिलोंग्स टू S, ठीक है, फील्ड से आएंगे ए वन वी टू एंड इट इम्प्लाइज फॉर ऑल ए आईज इज इक्वल टू क्या होंगे, जीरो होंगे, बिकॉज एस क्या दे रखा है मुझे, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है। ये मेरे पास एक गिवन कंडीशन है, जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी एल आई की, उसका हमने यूज किया और उसे हमने खोल के लिख लिया यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा है, सिंस हमारे पास जो आर है वो लेस देन है एन से, सो एवरी रिलेशन जो हमारे पास होगा, हर जो रिलेशन होगा ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का, कौन से फॉर्म का, ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सोन ए आर वी आर इज इक्वल टू जीरो, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ऑल ए आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब इनसे बड़ा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें सारे स्केलर्स जीरो है, तो इनसे जो छोटा कॉम्बिनेशन होगा वो डेफिनेटली ए आई को जीरो देगा, क्योंकि अगर इनमें से एक भी ए आई नॉन जीरो हो जाता है तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, जो कि हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो ऑल ए आईज इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आईज है वो वन से लेके एन तक, हमारे पास वन से लेके आर तक, एन तक तो ऊपर हो ही गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि एस वन इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप मान के चल सकते हो, लेट एज्यूम दैट कि एस वन इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो आप कर सकते हो कि इनका जो लीनियरली, इनमें से कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा, उसे आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो एन की फॉर्म में। वहां कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि अगर एन की फॉर्म के वैक्टर्स में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है स्केलर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। पर हमें गिवन क्या दे रखा था, एस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो उस तरीके से भी आप इस थ्योरम को कर सकते हो। तो ये काफी इजी थ्योरम थी, इसमें बस आपको क्या करना था, गिवन कंडीशन लगानी थी और उसके बाद जो है वो बिल्कुल एक सिंपल लाइन ही लिखनी थी कि हर रिलेशन है जो लीनियर कॉम्बिनेशन का उससे छोटे वाला, वो इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी सुप, वैसे देखा जाए तो ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आप ये देखना चाहो कि अगर आगे कभी भी आप अगर क्वेश्चन करोगे, कोई भी थ्योरम करोगे, उनके अंदर इन रिजल्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको ये रिजल्ट्स यूज करने पड़ेंगे डायरेक्ट। तो एवरी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये देखो, ये तो एक सोचने वाली बात है ना, कि अगर छोटा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब अगर छोटे सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन में से कोई भी स्केलर नॉन जीरो है, तो उससे बड़े वाला भी क्या होगा, नॉन जीरो ही होगा, क्योंकि उसमें एक जो छोटे में प्रेजेंट है वही उस बड़े में प्रेजेंट होगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है, देखो यहाँ पे हम लेके चले हैं, लेट S इज इक्वल टू वी वन वी टू एंड सोन वी आर, ये हमें क्या दे रखा है, लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमारे पास गिवन है। हम एज्यूम करते हैं लेट S1 वन इज इक्वल टू वी वन वी टू एंड वी एन बी आर सुपर सेट ऑफ S,
सो सुपर सेट है तो आर स्ट्रिक्टली लेस है किससे, एन से। यहाँ पे आर स्ट्रिक्टली लेस है एन से, तो एस वन मेरा क्या हुआ, सुपर सेट हुआ। ये मुझे गिवन दे रखा है कि एल डी है। अब हमारे पास क्या होगा, हमें करना क्या है, हमें एस वन को हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एस वन इज अ एल डी हमें करना है। हमें जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करना है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन क्या दे रखा है मुझे, एस इज अ एल डी। सो देयर एग्जिस्ट अ, उसके पास एक स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए वन ए टू ए आर में से, सच दैट नॉट ऑल जीरो, जिसमें से नॉट ऑल जीरो होगा मतलब इनमें से कोई ना कोई एक स्केलर है वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन है। तो हमारे पास क्या हुआ, ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सोन ए आर वी आर इज इक्वल टू जीरो, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इसको हम वन मानते हैं। अब हमने क्या किया, जो वन इक्वेशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अनदर फॉर्म में। वन कैन बी एक्सप्रेस, इस वन को हमने एक्सप्रेस कर सकते हैं अनदर फॉर्म में। वो अनदर फॉर्म क्या है, ए वन वी वन ए टू वी टू एंड ए आर वी आर ए आर प्लस वन वी आर प्लस वन एंड सोन ए एंड एन वी एन इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है वेयर, हमने क्या लिया, ए आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ए आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड सोन ए एन इज इक्वल टू जीरो, ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना ही डले। अगर हमने V1 से लेके Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा और जिसमें हमें पता है A1 से लेके AR तक नॉट ऑल जीरो है, मतलब और हमें आल्सो वी नो, और हमें एक ये चीज भी पता है कि A1 A2 AR नॉट ऑल जीरो, तो नॉट ऑल जीरो, तो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है, जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, ये कैसा हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, कि हमारे पास V1, V2, Vn का एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो हम उस लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोल सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमारे पास सेट S1 इज इक्वल टू V1, V2, Vn इज अ लीनियरली डिपेंडेंट, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये वैसे देखा जाए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप देखोगे आगे की थ्योरम्स करोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब आपका नेक्स्ट क्या है कि इफ अ सबसेट एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी एन ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन नन ऑफ द वेक्टर एस इज जीरो। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर मतलब कोई सेट है आपके पास, उस सेट में अगर हम कह रहे हैं कि सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनमें कोई भी वेक्टर जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जहां जीरो वेक्टर इंक्लूड हो गया वहां पे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर के कोरेस्पोंडेंस आप नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने लेट कर लिया कि V1 V2 Vn बी आर जीरो वैक्टर्स, हमने ये लेट कर लिया कि ये क्या है, जीरो वैक्टर्स ऑफ द सेट एस, कि इनमें से कोई एक जो वैक्टर है वो क्या है, जीरो है। तो हमने क्या लिखा, देन जीरो वी वन प्लस जीरो वी टू प्लस जीरो वी थ्री एंड सोन ए वी आर प्लस जीरो वी आर प्लस वन एंड सोन जीरो वी एन इज इक्वल टू जीरो। फॉर एनी स्केलर ए कोई नॉन जीरो है, क्योंकि जो वी आर वैक्टर है वो हमने क्या लिया है, हमने जो वी आर वैक्टर लिया है वो क्या लिया है, नॉन जीरो लिया है, क्योंकि हमने बोला है वी वन वी टू वी एन ओ क्या लिया है, बी आर जीरो वैक्टर, कि इसमें एक वैक्टर जीरो हो सकता है, वो जीरो वैक्टर हमने कौन सा ले लिया, वी आर ले लिया। तो वी आर खुद जीरो है तो उसके साथ कोई नॉन जीरो स्केलर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर भी हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो यहां से मेरा क्या होता है कि which shows that S is a linearly dependent, S क्या हो गया, linearly dependent, but which is a contradiction, ये मेरी क्या आ गई, contradiction आ गई, क्योंकि हमें S क्या दे रखा था, linearly independent दे रखा था, so S is a, क्योंकि हमें पता है कि हमें given दे रखा है कि S is a linearly independent, ये क्या दे रखा है, given दे रखा है,
तो इट मीन्स जो हमने अजम्पशन की थी वो क्या थी, रोंग थी. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सो वी वन वी टू वी एन नोट, मतलब जो हमारे पास ये है, नन ऑफ देम इज अ जीरो वेक्टर. इनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या है, जीरो नहीं है. कोई सा भी वेक्टर जीरो नहीं है. अगर एक भी वेक्टर जीरो आता है तो ये क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा. ठीक है, अब आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एस लिया जिसमें 102 ले लिया, तो मेरे को इसे रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने इसे किया 0 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस में 0 × 2, तो फिर भी आपको क्या देगा, जीरो देगा. पर यहाँ पे मेरे पास एक स्केलर ऐसा आ गया 1 जो कि क्या है, नॉन जीरो है. तो ये जो मेरा सेट है ये क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा. इसलिए अगर आपके पास कोई भी सेट है उसमें अगर एक भी वेक्टर अगर जीरो आता है तो आपके पास वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. अगर आपके पास कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली उसमें एक भी वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए. तो यहां से आपके पास दो थ्योरम प्रूव हो गई है कि अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें एक भी वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट थ्योरम आती है, सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट. देखो वही आ गया हमारे पास कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी हमारे पास सेट है अगर वो जीरो को कंटेन करता है तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा. तो हम इसका प्रूफ करते हैं. प्रूफ काफी इजी है. लेट एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी आर है वो जीरो है, वी आर प्लस वन एंड सो ऑन वी एन हो गया मेरे पास. तो इनमें से एक जो मेरा वेक्टर है वो कैसा हो गया, जीरो हो गया. तो मुझे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है. तो मैंने लिखा 0 × V1 प्लस 0 × V2 एंड सो ऑन ए इंटू वी आर प्लस, क्योंकि वी आर जीरो है, और ए एन इंटू वी एन वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो. तो भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या देगा, जीरो देगा. तो हमारे पास क्या हुआ, नॉट ऑल ए आईज इज इक्वल टू जीरो. सारे के सारे ए आई जीरो नहीं है क्योंकि हमने एक ए क्या ले लिया, नॉन जीरो ले लिया. तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, एस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट. एस क्या हो गया मेरा, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट थ्योरम मेरी क्या कहती है कि इफ अ वेक्टर वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ एन वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन देन द सेट ऑफ वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन वी फॉर्म अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर v किसी अनदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो डेफिनेटली वो जो सेट बनेगा v1 v2 vn v का वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं. हमने पहले ही बोला था कि लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि आप एक वेक्टर को किसी अनदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होता है. तो हमारे पास क्या गिवन है, सिंस v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, वी वन वी टू वी एन एन का. तो v इज इक्वल टू क्या है, ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सो ऑन ए एन वी एन. ये हो गया हमारे पास गिवन कंडीशन थी, वेयर ए आईज इज अ स्केलर. तो ए आईज क्या आपके स्केलर है. आपने क्या किया, v को दूसरी साइड ले गए, तो ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सो ऑन ए एन वी एन माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया आपके पास. अब आपको इसको क्या लिख सकते हो, हमने ये कहां से किया है, फर्स्ट इक्वेशन से किया है. जो मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट थी यहां से आया है, ये कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया ये. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सो ऑन ए एन वी एन प्लस माइनस वन इंटू वी इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पे क्या है कि मेरे पास एक ऐसा स्केलर है जो क्या है, नॉन जीरो है. माइनस वन यहाँ पे किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है. जो वी वन वी टू वी एन और वी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें एक स्केलर ऐसा मिल गया है मुझे जो क्या है, नॉन जीरो है. तो यहां से मेरे को क्या क्या पता चलता है, देयर फोर जो सेट है, द सेट ऑफ वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स का, वी वन वी टू वी थ्री वी एन वी का जो सेट है वो कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इस सेट में एक स्केलर मुझे ऐसा मिलता है जो क्या है, नॉन जीरो है. और अगर एक भी स्केलर ऐसा मिल जाता है जो नॉन जीरो है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए सारे के सारे स्केलर्स जीरो चाहिए,
और लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए कम से कम एक ही स्केलर नॉन जीरो चाहिए. तो यहाँ पे एक स्केलर की गारंटी है कि नॉन जीरो है, तो ये सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फर्स्ट सेट ऑफ n प्लस वन वैक्टर्स वी वन वी टू वी एन वी इज अ लीनियरली डिपेंडेंट. अब इसका उल्टा, अब इसी थ्योरम का उल्टा कर रहे हैं कि मान लो मुझे एक सेट है n प्लस वन वैक्टर्स का जो लीनियरली डिपेंडेंट दे दिया एंड वी वन वी टू वी एन इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट दे दिया, मतलब उनमें से अगर मैं एक भी वैक्टर हटा देती हूँ तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है, और अगर उस वेक्टर को लगाने से वो सेट क्या बन जा रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट बन जा रहा है. तो डेफिनेटली जो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट बना रहा है वो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा उन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, देखो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट तभी होता है जब कोई वेक्टर किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके. तो अभी हम यही कर रहे हैं कि अगर मेरे पास n प्लस वन वैक्टर्स है जो लीनियरली डिपेंडेंट है, उनमें से मैं एक वैक्टर हटाती हूँ और n वैक्टर्स का जो सेट बचता है रिमेनिंग वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है. तो जिस वैक्टर की वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था वो वैक्टर्स बाकी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा. तो हमें गिवन क्या दे रखा है, इफ वी वन वी टू वी एन वी इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट. ये हमें क्या दे रखा है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट. तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सो ऑन ए एन वी एन प्लस ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वेयर और वेयर ए वन ए टू ए एन ए नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे इनमें से जीरो नहीं होंगे. तो मेरे पास क्या है, मैं दो केस लेके चलती हूँ. पहला केस कि ए मुझे क्या, कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब मुझे देखो यहाँ पे क्या दिखाना है कि मुझे इसका यूज करना है, इस स्टेटमेंट का यूज करना है, मुझे इस स्टेटमेंट का यूज करना है. तो ए वन ए टू ए एन पे मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रही हूँ, मैं किस पे कंडीशन लगा रही हूँ, ए पे कंडीशन लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन किसका चाहिए, ए का चाहिए. तो हमें इस सेट का यूज करके और इसे प्रूव करना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा बाकी वी एन वैक्टर्स के. तो हमने क्या किया, ए पे कंडीशन लगा ली. तो हमने केस फर्स्ट किया, केस फर्स्ट में हमने माना कि इफ ए इज इक्वल टू नॉन जीरो, ए नॉन जीरो है तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या हो सकती है कि ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन इज इक्वल टू माइनस ए वी. ये क्या हो सकता है, माइनस ए वी. अब ए क्या है, मेरे पास नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है तो ए से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो माइनस ए ले लिया हमने, माइनस ए क्या है, नॉन जीरो, तो हम ए से क्या कर सकते हैं, डिवाइड. तो माइनस ए वन बाय ए वी वन प्लस माइनस ए टू बाय ए वी टू प्लस माइनस ए एन बाय ए इंटू क्या आ जाएगा, वी एन इज इक्वल टू क्या हुआ, वी. वी किसके लिए, और हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ऑल नोट ऑल आर नोट ऑल जीरो. तो ये क्या हुआ मेरे पास, नोट ऑल क्या हो गए, जीरो. तो नोट ऑल हमारे पास क्या है, जीरो. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. वी क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका, वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी एन. तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. पर ये तो हमारे फर्स्ट केस में प्रूव हो गया कि यदि हम ए को क्या लेके चलते हैं, नॉन जीरो. अब हम देखते हैं कि अगर केस सेकंड होता, हमारा ए अगर जीरो होता, इफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाता, जीरो हो जाता, तो ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू एंड सो ऑन ए एन वी एन इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए वन ए टू एंड ए एन ऑल नोट जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं है. पर ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमें देखो क्यों लिया है हमने कि ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमें एस सेट गिवन दे रखा था, ए वन ए टू ए थ्री एंड मतलब ए वी वन वी टू वी थ्री वी एन, हमें जो सेट दे रखा था वो कैसा सेट दे रखा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है तो हमारे पास ऑल ए वन ए टू ए एन क्या होने चाहिए थे, जीरो होने चाहिए थे. तो ये जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड में क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन सेकंड. तो इस इक्वेशन ने सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. इट मींस जो हमने अज्यूम किया था कि ए क्या है, जीरो है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास
यहां से क्या प्रूव होता है, हेंस ए क्या हो गया मेरा, नॉन जीरो हो गया। और अगर ए नॉन जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, वी को वी वन वी टू वी एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स वी वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये काफी बार एग्जाम्स में आ भी चुकी है। तो हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, जो अभी तक हमने सारी थ्योरम्स की है ना, उन सबका सार है एक तरीके से, ये इसमें सारे रिजल्ट आ जाएंगे, सारे रिजल्ट यूज भी हो रहे हैं। द सेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स वी वन वी टू वी एन ऑफ अ वैक्टर्स वी एफ इज लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब कि मुझे जो नॉन जीरो वैक्टर्स दे रखे हैं वी वन से लेके वी एन, वो सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वैक्टर वी आर, इनमें से कोई एक वैक्टर जो वी आर होगा, आर की कंडीशन क्या बता रही है, टू से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और एन से छोटा या एन के इक्वल होगा, मतलब रेंज कहां से होगी, टू से लेके एन तक की, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग वैक्टर्स। वही बिल्कुल वही कहने का मतलब है इसका, कि अगर मेरे पास वी वन से लेके वी एन तक के वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हुए, तो कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जो कि अपने जो पीछे वाले लीनियरली वेक्टर्स होंगे, जो पीछे वाले वेक्टर्स होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। और यदि ऐसा होता है कि अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो उससे पीछे वाले जो भी वेक्टर है वो सारे के सारे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो सेट दे रखा है, लेट सेट वी वन वी टू वी एन इज अ लीनियरली डिपेंडेंट, हम मान के चल रहे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, और हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है कि जो वी आर होगा वो प्रोसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है। देयर फोर देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो स्केलर, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ स्केलर्स ए वन ए टू, देयर एग्जिस्ट स्केलर ए वन ए टू ए एन नॉट ऑल जीरो, जिसमें से सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, सच दैट ए वन वी वन ए टू वी टू ए एन वी एन इज इक्वल टू जीरो, जो ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसमें से सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे, कुछ एक स्केलर नॉन जीरो होंगे। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट R is a largest मेरा integer है, such that AR क्या हो गया मेरा, non-zero हो गया, मतलब इनमें से बहुत सारे vectors हैं, वो बहुत सारे scalars ऐसे हैं जो non-zero है, पर उन scalars में से जो सबसे बड़ा scalar है वो AR है, जो कि क्या है, non-zero है। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर ये AR non-zero है तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हमारा पहला केस आता है, हमने क्या किया कि ए आर अगर नॉन जीरो है जो हमारे पास मिल गया, तो ए आर प्लस वन ए आर प्लस टू ए आर प्लस थ्री एंड सो ऑन ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि ए आर वो लार्जेस्ट नॉन जीरो वेक्टर था, जो ए आर जो लार्जेस्ट नॉन स्केलर वेक्टर था जो नॉन जीरो था, उसके बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि वो लार्जेस्ट हो गया, तो उसके बाद के जितने भी बड़े स्केलर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अगर मैं केस फर्स्ट लेती हूँ कि इफ आर इज इक्वल टू वन होता है, मैं वो कंडीशन देखना चाहती हूँ कि आर टू से लेके एन तक की कंडीशन हमें प्रूव करना है ना, कि वी आर और आर टू से लेके एन तक के बीच का होना चाहिए, तो हम वन लेके देख रहे हैं कि वन क्यों नहीं हो सकता। तो इफ आर इज इक्वल टू वन, देन जो इक्वेशन सेकेंड थी मेरी वो कैसी होगी, तो यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन सेकेंड थी वो हमने कौन सी ली है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन सेकेंड ली है हमने, तो हमारे पास क्या होगा a2, a3, a4 एंड सो an इज इक्वल टू क्या हो गए, जीरो हो गए, ये सारे आपके पास क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इट मींस आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन बचा इक्वेशन वन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन वन बनी a1 v1 इज इक्वल टू क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इसको सबको जीरो पुट करोगे, इसको यहां से लेके, तो बचा कौन सा, सिर्फ a1 v1 इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है कि हमारे पास a1 है वो क्या है, नॉन जीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 हमने नॉन जीरो ले रखा है यहाँ पे, क्योंकि लार्जेस्ट जो था R, हमने क्या लिया था कि AR है वो लार्जेस्ट है जो कि नॉन जीरो, उसके बाद के सारे जीरो होंगे, R यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वन, तो A1 क्या होना चाहिए मेरा, नॉन जीरो होना चाहिए। तो A1 नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो।
वी वन यहाँ पे जीरो हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें गीवन दे रखा है कि वी वन वी टू वी एन ऑल आर नॉन जीरो वैक्टर्स, सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। तो हमारे पास यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसीलिए आर क्या नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता। तभी हमारे पास जो क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि आर है वो टू से लेके कहां तक का होना चाहिए, एन तक का होना चाहिए। तो हमने एक कंडीशन प्रूव कर दी है, कौन सी कंडीशन प्रूव कर दी है, ये वाली कंडीशन हमारी प्रूव हो गई है कि आर वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे केस सेकंड आता है इफ आर ग्रेटर देन वन, यदि आर ग्रेटर देन वन होता है तो हमारा क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा या नहीं होगा, हमें ये प्रूव करना है। आर नॉट इक्वल टू वन वाला देखो, हमारा यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो प्रूव हो गई है, अब हमें ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। आर वन तो नहीं हो सकता, क्या इस रेंज के बीच का होगा, टू से लेके एन के बीच का, तो वो अभी हम प्रूव कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इफ आर ग्रेटर देन वन, देन जो वन इक्वेशन थी मेरी वो कैसी हो जाएगी, हमारे पास ए वन वी वन ए टू वी टू ए एन वी एन, यहाँ पे तो हमारे पास जो ए आर वी आर ही लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि उसके बाद तो सारे क्या है, जीरो ही है, ए आर प्लस वन ए आर प्लस टू ये सारे के सारे जीरो ही है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें पता है कि जो लार्जेस्ट है हमारा, सिंस ए आर क्या है मेरा नॉन जीरो है, लार्जेस्ट है, देयरफोर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन थर्ड है ना इसको ए आर से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देयरफोर डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड किससे, बाय ए आर से, तो हमने इसे ए आर से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, ए वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन ए आर वी वन ए टू ए आर वी टू एंड सोन, यहाँ क्या हो गया वी आर इज इकल टू जीरो। अब हम वी आर को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, वी आर इज इकल टू माइनस ए वन ए आर वी वन माइनस ए ए टू ए आर वी टू माइनस ए थ्री ए आर वी थ्री एंड सोन, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए आर माइनस वन बाय ए आर इंटू क्या हो जाएगा वी आर माइनस वन। तो मेरा वी आर है वो अपने से पीछे वाले वी वन वी टू वी थ्री वी आर माइनस वन तक के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो जो आर की कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन से लेके एन तक हो जाएगी और हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो गया। तो हमारा जो प्रूव करना था हमें वो हमारा प्रूव हो गया। देखो यहाँ तक का हमारा जो प्रूव है वो क्या हो गया, डेफिनेटली हो गया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो आर है वो टू से लेके एन तक का, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन तक का, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वैक्टर्स, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें ये गीवन लेके चलना है और ये प्रूव करना है कि ये जो नॉन जीरो वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब हम उल्टा प्रूव करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आता है कन्वर्सली, कन्वर्सली लेट वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी आर माइनस वन। तो हमारा पास क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू ए वन वी वन ए टू वी टू एंड सोन ए आर माइनस वन वी आर माइनस वन। अब हमने क्या कर दिया, और बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू, हमने एक और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा बी आर माइनस वन वी आर माइनस वन प्लस माइनस वन वी आर, मतलब हमने कुछ नहीं किया ज्यादातर, हमने इस वी आर को इस साइड लेके आ गए हम, प्लस में जीरो इंटू वी आर प्लस वन जीरो इंटू वी आर प्लस टू, हमें दिखाना है कि वी वन से लेके जो वी एन वैक्टर है वो सारे लीनियरली डिपेंडेंट है, तो प्लस में जीरो इंटू वी एन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैंने लिखा सी वन वी वन सी टू वी टू एंड सोन सी एन वी एन। अब मुझे वेक्टर्स है जो कंपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, एक लीनियर कॉम्बिनेशन अगर दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है तो डेफिनेटली उनके जो स्केलर्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो बी वन इज इक्वल टू सी वन बी टू इज इक्वल टू सी टू एंड सोन माइनस वन इज इक्वल टू सी आर आर सी आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड सोन सी एन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मुझे एक सी आर ऐसा मिल रहा है जो कि क्या है, नॉन जीरो है, तो मुझे एक ऐसा स्केलर मिल गया जो क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्या डिपेंड, क्या क्या प्रूव हो जाता है कि जो वेक्टर वी वन से लेके वी एन है इनमें एक जो मेरा स्केलर है जो नॉन जीरो है, तो इट मीन्स ये जो वेक्टर से ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूव हो गया, हैंस वी वन वी टू वी एन जो सेट है इन वैक्टर्स का इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपके यहाँ पे जो थ्योरम्स थी वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी।
तो आज हमने थ्योरम्स का सेक्शन कंप्लीट किया है, कल हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो अभी इतना ही। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।